काम कर रहे हैं। इससे पहले मंदिर बैठे थे तो मिस वर्मा ने कहा था कि हमारी जबान ही काम है, घर में भी और बाहर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम जो मुझे लगता है कि हम इतने शोज करते हैं इस चीज़ तक लेके कि हमने कैसे प्रोटेक्शन करनी है, ऑन दैट बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। डू यू गाइस, पहले वाला जमाना चला गया, आपको पता है कि अगर आप सिर्फ आंखों से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो ना किसी बंदे को, तो उसे पता है कि यार ये रिएक्ट करेगी और मेरी पब्लिक में बेइज्जती हो जाएगी, तो वो हरास नहीं करेगा। आपको यही वाली वीडियो आएगी अगर आप भी तो उसे क्लिक करेंगे देखेंगे, दोबारा से सुनेंगे। सो गाइस, आई एम ऑल हियर एट पंजाब यूनिवर्सिटी, और पंजाब यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आने का जो मकसद था वो मैंने आपको सुबह ही बता दिया था। बट लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग वंस अगेन। वो ये कि एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मैं मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, वो ये कि आपको पता है मेरी एक ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हुई, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हर ख्वाहिश पूरी की है, और वो ये थी कि आई जस्ट वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे आज भी याद है कि ज़्यादा नहीं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से लेके गेट नंबर 10 तक हमने हर गेट, हर डिपार्टमेंट, हर टीचर, हर रेफरेंस यूज़ करने की कोशिश की थी जस्ट टू गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी, और मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला था। और आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चर देने के लिए आई बिकॉज ऑफ माई मॉर्निंग शो, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और मैंने UMT में एडमिशन लिया, तो UMT में एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा कि यार अब यही सब कुछ है, जो करना है यही करना है, और जो करना है उसको कोशिश करनी कि प्रोडक्टिवली करने की कोशिश करें। और मैंने फिर UMT में फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, जो भी मास कम्युनिकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ थी, मैंने उनको भरपूर तरीके से करने की कोशिश की। और उसके बाद एट द 6th सेमेस्टर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन TV चैनल एज ए न्यूज़ एंकर। तो आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट में पढ़ने की विश तो मेरी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो होता है ना वो बड़ा ही बेहतरीन होता है आपके लिए। शायद मैं आज यहाँ पर पढ़ती होती तो मैं उस तरह से तो ये न्यूज़ कास्टिंग ना कर रही होती, मैं कुछ और कर रही होती। तो आपके साथ जो भी होता है और जिस टाइम पर होता है वो बेस्टेस्ट होता है, मतलब अल्लाह का प्लान आपके प्लान से बहुत 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 बेहतर होता है। आई गॉट एडमिशन इन UMT, पर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और आज कोई 6 साल बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी के जब इस डिपार्टमेंट में जहाँ पढ़ने की एडमिशन लेने की मेरी ख्वाहिश थी, मैंने जब लेक्चर दिया और वो सारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे थे जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के थे, जो इंस्पायर हो रहे थे, जो बड़े एम्बिशियस थे और बड़े ख्वाहिशात और बड़े प्लान्स और बड़े ड्रीम्स लेके मेरे सामने बैठे थे, मेरी कोशिश थी कि मैं उनको ये डायरेक्शन ज़रूर दूँ कि आप जहाँ पे हैं वो बेस्टेस्ट जगह है, इसको जितना यूज़ कर सकते हैं करें। सो मेरी कोशिश थी कि पहले वीडियो बनाऊँ लेकिन मैंने बाद में बनाई यहाँ पे। तो रोशनी को कैसे पहचाना, चूंकि अंधेरा था, ये कंटेंट मुझे बना के फ्लोट करना है, नहीं करना।